आज जिन दो पुस्तकों का लोकार्पण होना है, प्रथम कृति है उसमें अष्टापद कैलाश और द्वितीय कृति है ज्ञान प्राभृत। इन दोनों कृतियों का मनन जलधि से मणि रूप में प्रकाशित करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उनके लेखक हैं हम लोगों के मध्य में विराजमान। प्राकृत भाषा के कतिपय जो कनिष्ठिकाधिष्ठित विद्वान हैं उनमें आप अग्रगण्य हैं, प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन जी। आप वरिष्ठाचार्य हैं प्राकृत भाषा विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में। अतः मैं मुख्य अतिथि सहित अध्यक्ष सहित मंचस्थ विद्वानों से अनुरोध करूंगा कि अष्टापद कैलाश कृति का लोकार्पण करें। इस कृति का प्रतिपाद्य क्या है, लेखक ने किस मनन सागर में जाकर के यह जो ग्रंथ है इसका प्रकाशन किया है, एतादृश औपोद्घातिक उद्बोधन परिचय प्रदान के लिए मैं प्राकृत भाषा विभाग की जो वरिष्ठाचार्य विभाग प्रमुख प्रोफेसर कल्पना जैन महोदय को बुलाना चाहता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मान्य मंच, उपस्थित गणमान्य व्यक्ति और समाज के गणमान्य व्यक्ति पधारे हैं, उन सभी के प्रति मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन को प्राकृत विभाग में पाकर अत्यंत गौरवान्वित हैं कि उन्होंने प्राकृत भाषा की इतनी सेवा की है और अपना साहित्य की निरंतर हमें साहित्य प्रदान करते रहे हैं, उत्कृष्ट साहित्य। उनकी अष्टापद कैलाश नामक पुस्तक का मैं परिचय देना चाहती हूँ। तीर्थ वंदना को भारतीय परंपरा से विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि जहाँ हम देशांतरण के द्वारा कुछ ज्ञानवर्धन के साथ मात्र मनोरंजन एवं ऐन्द्रिक आनंद की प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं, वहाँ तीर्थाटन से नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान और महापुरुषों की साधना का महत्व पता चलता है। इससे न केवल हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित होते हैं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के रहस्यों से भी अभिज्ञ बनते हैं। अष्टापद कैलाश एक ऐसा तीर्थस्थल है जो दोनों संस्कृतियों में समान रूप से बहुमानित है। इसके विषय में यद्यपि विगत दो शताब्दियों से विश्व स्तर पर अनेकों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, फिर भी इस कृति से कई ऐसे मौलिक तथ्य और अभिनव दृष्टियां समाहित हैं जो पाठकों को इसे पढ़ने और बहुत कुछ सीखने को विवश करेंगे। इसकी जीवंत भाषा एवं परिस्थितियों का भावात्मक साक्षात्कार रूप अवबोध कराने वाली शैली पाठक को विवेच्य विषय से तन्मयता का भाव बोध कराती है। साक्षियों के रूप में 32 पृष्ठों में इस यात्रा के क्रम में मोबाइल के कैमरे से लिए गए चित्रों की प्रस्तुति विशेषतः दर्शनीय और स्मरणीय है, क्योंकि कैलाश पर्वत के विषय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में प्राय ये चित्र अनुपलब्ध हैं तथा इसके वर्ण विषय की तथ्यात्मकता एवं शब्दांकन दोनों ही पाठक को साक्षात इस यात्रा की सहभागिता की अनुभूति कराने में सक्षम है। मैं एक बार फिर उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने ऐसे साहित्य को प्रदान। बहुत बहुत धन्यवाद मैम और बहुत बहुत बधाई सर आपके लिए। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्षराणाम वर्णानाम आकृति रूप कल्पनम एव लेखनम एवं च लेखनेन एव अस्माकं ज्ञान सर्वत्र प्रचारितं प्रसारितं भवति अंकितं भवति येन न केवलं वयम् अस्माकं याः परंपरागत पीढ़ियाँ आगच्छन्ति ताः सर्वाः अपि फलीभूताः भवन्ति। जब हम किसी चीज़ को लिख देते हैं तो इससे हमारी आने वाली सभी पीढ़ियाँ जो हैं वो उस ज्ञान से लाभान्वित होती हैं। तो इस क्रम में हमारे आदरणीय प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन सर 50वीं कृति का अभी हमने लोकार्पण किया था और अब हम उनकी 51वीं कृति का लोकार्पण करने के लिए सन्नद्ध हैं। सर की 51वीं कृति है ज्ञान प्रभृतम।
ज्ञान प्रावृतम इस पुस्तक का लोकार्पण करने के लिए मैं माननीय श्री अतुल कोठारी जी एवं हमारे समस्त मंचासीन विद्वत्जनों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि सर की इस पुस्तक का विमोचन कर हमें कृतार्थ करें एवं पुस्तक के परिचय के लिए अपने हिंदी आधुनिक संकाय प्रमुख हमारी मैम आदरणीय प्रोफेसर सविता मैम से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप इस पुस्तक का परिचय प्रदान करें। प्रोफेसर सुदीप कुमार जी को मेरी ओर से विशेष बधाई। लिपिबद्ध किए गए शब्दों का अभिप्राय जब पाठक के मानस पटल पर उत्कीर्ण होकर अमिट छाप छोड़ता है तो उस प्रभावी लेखन विधि को मनीषीगण आलेख कहते हैं। प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन की सारस्वत लेखनी से प्रसूत आलोकात्मक रचनाओं की यह संकलात्मक सुसंपादित कृति ज्ञान के उपहार के रूप में प्रकाशित हुई है, अतः इसका ज्ञान प्रावृतम नामक अनवर्थक है। दार्शनिक सिद्धांतों और अवधारणाओं के अनेकों ऐसे पक्ष हैं जो श्रद्धा के प्रभाव में पूर्णतः स्वीकार्य लगते हैं, किंतु तर्क की कसौटी पर जब परखने की बात आती है तो प्रायः हमारी श्रद्धा डावाडोल होने लगती है। इसका मूल कारण यही है कि उन सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का वास्तविक आधार एवं स्वरूप हमें तथ्यात्मक रूप से ज्ञात होता ही नहीं है। हम श्रद्धातिरेक में उन्हें स्वीकार करते हुए उनका या तो अपनी समझ के अनुसार या फिर दूसरे लोगों की देखा देखी जितना बन पड़ता है उतना अनुपालन करने लगते हैं। यह स्वागत योग्य बात है कि आधुनिक पीढ़ी के इनके प्रति पर्याप्त जिज्ञासु हैं और इनके विषय में तथ्यात्मक रूप से जानकारी चाहती है। कोरी रूढ़ी या परंपरा के नाम पर वह इन सब को स्वीकार करने को सहमत नहीं होती है, अतः यह सांप्रतिक संदर्भों में अति परिहार्य हो गया है कि इन सब के विषय में तार्किक एवं तथ्यात्मक रूप से विवेचन प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तुत कृति में चार खंडों में जैन दर्शन, अध्यात्म, तत्वज्ञान, साधना, पारंपरिक मान्यताओं एवं पर्वों आदि के विषय में जिज्ञासु जनों की समय समय पर प्राप्त जिज्ञासाओं, प्रश्नों के साथ साथ स्वतः स्फूर्त चिंतन से प्रसूत विविध दार्शनिक पक्षों का भी निष्पक्ष भाव से तथ्यों के आधार पर विवेचन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया है। साथ ही उन विषयों में अज्ञान, पूर्वाग्रह, रूढ़ी एवं लौकिक स्वार्थों से प्रचलित या प्रचारित मिथ्या मान्यताओं का दृढ़ता से साधार एवं शालीनतापूर्वक निराकरण किया गया है। इस प्रकार यह कृति उन सभी जिज्ञासु जनों, अनुसंधाताओं एवं साधकों के लिए तथ्याधारित बौद्धिक चिंतन का उपहार होने के कारण इसे ज्ञान प्रावृतम यह अनवर्थक अभिधान दिया गया है। आपको बहुत बहुत मेरी ओर से विशेष और हमारे संकाय की ओर से भी विशेष आपको बधाई।